What's up guys, तो कैसे हैं आप सभी। लूप वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और जो हम फिर से खेलने वाले हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2। तो पिछली बार हमने अपने साइबर कैफे के अंदर एक माइनर लगाया था जो हमारी हेल्प कर रहा था बिटकॉइन माइनिंग में, और हमने एक अपना सिस्टम भी लगाया था अपने साइबर कैफे में। तो आज हम एक एम्प्लॉय को हायर करने वाले अपने साइबर कैफे में जो हमारी मदद करेगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से आ चुके हैं हम अपने अपार्टमेंट, तो हम जल्दी से चलते हैं अपने कैफे की तरफ। पिछली बार हमने जो माइनर लगाया था उसने हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो करा था, तो मैं जाके देखता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस कितना हुआ। अगर बिटकॉइन का प्राइस ज्यादा होगा तो मैं थोड़ी अपनी सेल कर दूंगा बिटकॉइन। तो जल्दी से चलते अपने कैफे की तरफ। हम आज हमने कैफे में थोड़ा एक एम्प्लॉय भी रखने वाले हैं जो हमारी मदद करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है अकेला एक साइबर कैफे संभालना। तो एक एम्प्लॉय रहेगा, थोड़ी आसानी रहेगी अपने साइबर कैफे में। अपना ऑन करते हैं अपने साइबर कैफे को। तो अपने दो कंप्यूटर तो एकदम सही सलामत है, कुछ चोरी भी नहीं हुआ। ये चोर आसपास घूमते रहते हैं मेरे, बस साइबर कैफे पे नजर रहती है उनकी। तो ऑन करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को और स्टार्ट करते हैं अपने साइबर कैफे को। मैं सोच रहा हूँ आज ना एक और सिस्टम लगा दूँ, इसमें तीन सिस्टम रहेंगे तो और मुझे लग रहा है ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो एक और सिस्टम मैं लगा ही दूंगा आज। तो यहाँ से हम अपने कैफे को ऑन कर देते हैं। मेरे पास अभी $390 है, लेकिन मैं अपनी माइनिंग वाली चेक करता हूँ। ये रहा बिल, मेरे को एक बिल भी आया, कितने का है, $61 का इलेक्ट्रिसिटी बिल। पे कर देते हैं हम इस बिल को। तो हमने बिल तो पे कर दिया है, तो मैं जाता हूँ क्रिप्टो पे और चेक करता हूँ क्या है क्रिप्टो का प्राइस अभी। ये मैंने क्रिप्टो खोली और यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। तो मेरे पास मैंने अभी बिटकॉइन परचेज करे हैं 0.01965437 के, और इसका अमाउंट कितना होगा अगर मैं सेल करूँगा तो इसे 0.19503 रुपये। तो अभी तो प्राइस बहुत कम है। एक कस्टमर, दो कस्टमर आ चुके हैं, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ जल्दी से इनका ये रिक्वेस्ट। तो अप्रूव कर दिया मैंने, और दूसरा भी बोलेगा जल्दी से, उसकी भी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो मैं सोच रहा था थोड़ी सी ना प्राइस एक्सपेंसिव कर देता हूँ अपने साइबर कैफे के। हल्के से प्राइस मैंने चेंज कर दिए, एक्सपेंसिव की तरफ कर देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मिलेंगे शायद हमें 30 मिनट। ओके, तो ये हमें पैसे दे रहा है। तो माई कैफे में रिव्यू चेक कर लेते हैं। इट्स अ लिटल कोल्ड इनसाइड। ये कोल्ड कोल्ड करते रहते हैं, तो मैं चेक करता हूँ स्टोर पे मुझे कोई चीज़ मिल जाए, लाइक हीटर वीटर। आई थिंक हीटर मुझे फ़ैन में मिल सकता है। फ़ैन में $190 का एक फ़ैन है, इसमें हीटर वीटर कहाँ पे मिलेगा मुझे गर्म करने के लिए कुछ। वो बिना पैसे दिए जा रहा है पागल सा। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुक, मेरे पास बैट भी नहीं है, मुझे बैट भी खरीदना पड़ेगा। और किस तरफ गया वो, मेरे बाप का साइबर कैफे जो बिना पैसे दिए यहाँ पे आ जाएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। बस मुझे ब्लैकआउट ना कर दे मार मार के, मेरे पास बैट भी नहीं है, मेरे को ब्लैकआउट कर ही देगा मुझे लग रहा है ऐसा। ओके, तो मैंने इसे मार दिया और मुझे $106 मिल चुके हैं। और मुझे एक बात का डर है, यहाँ पे ना चोर गया था, वो चोरी ना कर ले कुछ। नहीं, चोरी नहीं करा, ये बैठे हैं जल्दी इतनी देर से। तो मैं इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ पहले। वी डू नॉट हैव अ वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड, ओके, एक और रिक्वेस्ट आई है। ये बार बार टाइम एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं, यूँ ही पहली बारी में ही काम कर लें। अप्रूव अप्रूव, वो बहुत आज तो बहुत जल्दी जल्दी अप्रूव करने के लिए कह रहे हैं सब। बिना पैसे दिए जाएगा, कैसे जाएगा बिना पैसे दिए, कैसे जाएगा बिना पैसे दिए। ओह शिट, मैं ब्लैकआउट हो गया, मेरी हेल्थ भी वैसे भी कम थी। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो मैं सोच रहा हूँ ना एक बार ना अपना बैट खरीद लूँ जल्दी से, पहले इसे जाने दो फिर मैं बैट खरीद लूँगा। पहले ये साफ़ कर दूँ, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है अपने साइबर कैफ़े के अंदर। तो मैंने अपने साइबर कैफ़े को थोड़ा क्लीन कर दिया है, अब एकदम मेरा साइबर कैफ़े क्लीन हो चुका है। और पता नहीं कोई कोडिंग कमांड वमांड डाल रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है बंदा। ये भी बिना पैसे दिए जा रहा है, और उसने मेरे सिस्टम पर आग लगा दी। अब मैं पहले रोकूँ या क्या करूँ, पहले मैं उसे मार के ही आता हूँ। सिस्टम तो मैं दोबारा ले लूँगा, पहले इसे मारूँगा पहले। ऐसे कैसे तू पिटेगा भाई, फ्री में साइबर कैफे यूज़ करेगा, पिटेगा तू। ले खा मुक्के, खा मुक्के। या आवाज़ मत निकाल मुँह से, कर दिया इसने मुझे फिर से ब्लैकआउट। आगे स्वाद। मुझे अपना पहले यही आग बुझानी पड़ेगी यहाँ से। जल्दी से आग बुझाओ, जल्दी जल्दी से आग बुझाओ ना, मेरे CPU ख़राब ना हो जाए। अंकल आए हैं, अंकल 2 मिनट रुके, आग बुझा रहा हूँ मैं। ओके, तो आग बुझ चुकी है। इट्स लिटिल कोल्ड इनसाइड। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या ले सकता हूँ कि वार्म रहे मेरा के लिए। टाइम 30 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दिया है हमने, और हमने कमांड भी डाउनलोड की थी ऐप, तो इसे मैं चेक करता हूँ इस कमांड ऐप से क्या होता है। वेलकम टू कमांड प्रोसेसिंग सिस्टम, प्लीज़ एंटर अ वैलिड कमांड। ओके, तो मुझे कमांड डालनी पड़ेगी। मैं कमांड कहाँ से डालूँ, कमांड तो मुझे पता ही नहीं कुछ। यहाँ पे क्रैक का भी ऑप्शन है, इस क्रैक के से क्या होता है, ज्वाइन सर्वर 1-to-1 फॉर सिक्योरिटी रीजंस आर IP एड्रेस इज चेंजिंग। ओके, न्यू IP, आई थिंक इस IP को डालूंगा तो कमांड सेंटर में कुछ होगा क्या। ओके, पैसे दे रहा है बंदा $95, और ये अंकल भी देने वाले हैं पैसे। लाओ अंकल जी जल्दी पैसे दे दो। सही है, $84। मैं ना पहले जल्दी से जाके ना बैट खरीद लूँ, वरना ये मुझे मारते रहेंगे बार बार। तो मैं जाके जल्दी से बैट खरीद लेता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ दुकान में, और यहाँ से मैं एक बैट परचेज कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने एक बैट परचेज कर लिया है, अब आसानी रहेगी उन गुंडों को मारने में। तो चलते हैं अपनी साइबर कैफ़े की तरफ दौड़ के।
मुझे डर है कि कुछ चोरी ना हो गया हो, बस एक बार चेक कर लूँ। हाँ कुछ चोरी नहीं हुआ, दोनों सिस्टम ऑन है। ठीक है, यहाँ से अपनी लाइट भी ऑन कर दो। ये रहा चोर, तो खाम ओके सो जा आराम से। हाँ एक चोरी करता रहता है। आज ही एक और बैग का टास्क आया, तो आज का टास्क चेक कर लेते हैं क्या है। ड्यूड देर आर अ बिग फाइट, कैन यू ब्रिंग मी 3 बेसबॉल बैट। जैसे 3 बेसबॉल बैट चाहिए यार, इसे दे देता हूँ मैं, ऑफकोर्स तुम इसे ला के देता हूँ। तो इसे 3 बेसबॉल बैट चाहिए, मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं बंद करता हूँ अपने साइबर कैफे, तेरा मैं बैट लेके आऊँ पहले। तो उसको 3 बैट तो देना कोई बड़ी बात नहीं है, सस्ते हैं बैट, यहाँ से 3 बैट परचेज कर लूँ। दुकान में सारे बैट खत्म हो गए, मुझे अपने लिए भी चाहिए भाई एक बैट। और वो रहा अपना बैगर, इसे क्या चाहिए, ये ले। वॉट मैन, आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव मनी टू गिव अप। कोई नहीं यार, तू बैट ले ले। ले लिया ना तूने बैट, ठीक है चल। तो एक बार मैं अपने लिए भी बैट ले लेता हूँ, वहाँ पे सारे बैट खत्म हो गए, शायद आ गए हूँ फिर से। वो बैट तो सारे ही खत्म हो गए यहाँ पे, अब मैं कहाँ से परचेज कर सकता हूँ बैट। तेरे पास बैट है क्या? आई थिंक बैट थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो हम चलते हैं अपने साइबर कैफे की तरफ। नो न्यू कस्टमर कम आफ्टर 1 o'clock, ओके। इट्स लिटल कोल्ड इनसाइड अ प्लेस आई विल नॉट टू गो। ओके मैं एक बार ना वायरस भी स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पे। स्टार्ट स्कैनिंग ऑटो स्कैनिंग, तो मेरा ऑटो स्कैन तो एक्टिव ही था, ठीक है। तो क्रिप्टो में जाके अगर मैं अब सेल करने के देखूँ तो कितने का होगा, $0.28 सेल कर देते हैं, सेल ऑल। तो मेरे पास कुछ $1200 आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ एक और माइनर खरीद लूँ, एक और माइनर लगाऊंगा तो क्या पता मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं। तो चलते हैं एक और माइनर खरीदने, पहले तू मुख्य खा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसे पहले मारना जरूरी है, वरना तो चोरी कर लेगा। तो माइनर की दुकान कहाँ थी, मैं भूल गया। ओके तो माइनर की दुकान इस गली के अंदर थी, हाँ जी याद आ गया। हाँ तो हम इससे एक और माइनर खरीद लेते हैं, यही वाला माइनर खरीद लेते हैं $1000 का। ला दे जल्दी से माइनर दे। तो हमने दो दो माइनर लगाएंगे, तो क्या पता जल्दी फास्ट माइनिंग हो और हमें ज़्यादा पैसे मिले। तो हम एक और माइनर खरीद के ले आए, तो हम इसे कहाँ लगा सकते हैं, इसे मुझे लगाने की जगह देखनी पड़ेगी। ओके तो मैं यहाँ पे ना इसे कोने में लगा देता हूँ, इधर ही, ठीक है अब। ठीक है और अब चेक करते हैं बिटकॉइन का प्राइस कितनी फास्ट माइनिंग कर रहा है, लेकिन पहले मुझे सेट करना पड़ेगा माइनर में जाके। तो माइनर में जाके मैं पहले जल्दी से सेट कर देता हूँ इसे। मैंने दूसरा माइनर भी स्टार्ट कर दिया है, अब ये मेरा दूसरा माइनर भी स्टार्ट हो चुका है। पहले स्टोर को मारना ज़रूरी है, खा तू मुक्के खा। इसकी चोर की ज़िंदगी सही है, बस ये मुक्के ही खाता रहता है। तो अब मैं चेक करता हूँ माइनिंग, एवरेज माइनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे मेरा बिजली की बिल कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। ओके तो सुबह हो चुकी है, तो अब मेरे पास एक एम्प्लॉय वाली ऐप थी, कहाँ है वो ऐप, वो तो ये नहीं एम्प्लॉय वाली ऐप। और यहाँ पे है एक गार्ड, इट कैन प्रोटेक्ट योर शॉप फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अटैक्स। ओके तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ले रहा है $300 5 दिन के लिए, सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा तो है नहीं। हाँ तो हायर कर लेते हैं हम इसे, तो हमने इसे हायर कर लिया है वर्किंग। और ये आएगा कहाँ पे, यहाँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, शायद ये बाहर होगा। ओ तो ये रहा अपना गार्ड, ओ भाई क्या सही लग रहा है अपना गार्ड। इसके पास कौन सी है, टॉमी गन लेके बैठा है ये तो। भाई यार इसे M4 चाहिए थी, टॉमी गन से क्या ही मार पाएगा ये। पहले मेरे पास एम्प्लॉय है, उन्हें एक्सेप्ट कर देता हूँ, और अब मेरे को देखना पड़ेगा कैसा ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। अगर तूने काम नहीं किया ना, पैसे नहीं दूंगा तेरे, ठीक है, निकाल दूंगा नौकरी से, गजब बेइज्जती है। मैंने उसे समझा दिया, मेरी बात उसने समझ ली होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्प्रे भी छिड़क देता हूँ, बारिश के टाइम में थोड़ी खुशबू रहेगी तो सही रहेगा। ओके तो यहाँ पे गेम खेल रहा है, कौन सी गेम खेल रहा है ये। ओ उसने गोली चलने की आवाज़ आई, उसने किसी को मार दिया, वो उसने बॉम्बर मैन को मार दिया। भाई सही काम कर रहा है, इस चोर को नहीं मारा इसने, लेकिन आई थिंक जब ये चोर अंदर एंटर करेगा तब ये मारेगा शायद इसे। वो पैसे लेके भाग रही है वो, रुक जा, अब तो मुझे कैफ़े को कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ भागी वो, रही रुक, इधर रुक, इधर रुक, बिना पैसे दिए जाएगी, खेल खा मुक्के। चाइना से आई है कुंफू कुंफू सी, ओ दूसरे बंदे को भी लग गई, अब ये मारेगा मुझे यार, ब्लैकआउट कर देंगे मार के यार। इनका सही है, इन्हें मैं साइबर कैफे में जगा दूँ और फिर मुझे एंड में जाके मार देते हैं। अब तूने गोली क्यों नहीं चलाई, वो पैसे लेके भाग रहे, तूने गोली नहीं चलाई यार उस पर, गलत किया तूने एकदम। तो यहाँ पे एक स्किल्स भी आ रही है, यहाँ पे मेरे पास 329 कुछ दिखा रहा है, और यहाँ पे फिजिकल और कैफे, आई थिंक मैं अपनी स्किल्स भी अपग्रेड कर सकता हूँ। यू कैन पंच हार्ड, वो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये कैसे परचेज कर सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये वाला पंच खरीदना पड़ेगा, ये वाला पंच मैंने परचेज कर लिया, और ये हार्डर पंच भी ले लेता हूँ अब, ठीक है। आई थिंक अब मैं मुक्का थोड़ा तेज़ मार सकूँ, एक ही मुक्के में बंदे मरने चाहिए जैसे बैट से मरते हैं। उधर चोर घुस रहा है भाई, चोर घुस रहा है, चोर, अबे रुक जा रुक जा। भाई कैसा सा सिक्योरिटी गार्ड है, इसे चोर को मारा ही नहीं इसने। ला चेयर चुरा के मारा है, चिंदी चोर चेयर चुरा रहा था पागल सा। कोई नहीं चेयर में लगा देता जल्दी से,
अबे पहले मैं इससे ये ले लेता हूँ पैसे, हमने पैसे भी नहीं देंगे और भाग जाएंगे ऐसी। ला तू भी दे। चोर गया, पहले मुझे साफ़ करना पड़ेगा, बिना साफ करे वहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं अपनी चेयर प्लेस भी नहीं कर पा रहा, तो अब मैं चेयर प्लेस कर पाऊँगा। फेंको इसे और चेयर प्लेस कर दो। हाँ तो चेयर मैंने प्लेस कर दी। ऐसे चिंदी चोर है भाई, चेयर चुरा रहा है प्लास्टिक की, पिटा वो आखिरकार मेरे से। और लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसने कुछ क्यों नहीं करा, इसने गोली क्यों नहीं चलाई उस पर। आई थिंक ये सिर्फ बॉम्बर मैन पे काम करता है और ये चोरों वोरों को नहीं मारता शायद। ओके एक और कस्टमर आ चुका है अपनी शॉप के अंदर। ओ भाई एक ही झटके में मार रहा है बंदे, इसके टॉमी गन तो भाई बहुत सही चला रहा है। ओके तो बहुत जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं अपने कैफ़े के अंदर, और मैं कमांड सेंटर भी चेक कर रहा था ना, तो यहाँ पे मुझे कोड डालना पड़ेगा जो मुझे शायद वहाँ से मिलेगा। क्रैक पे जाके एक बार यहाँ पे न्यू आईपी डाल के देखता हूँ, 1 join server फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं आईपी डाल के देख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा तो है कुछ, ज्वाइन सर्वर करके देखते हैं। वैसे मैंने एकदम सब कुछ सही लिखा है, ज्वाइन सर्वर। ओके तो मैंने शायद कैपिटल की मिस्टेक कर दी होगी यहाँ पे, क्योंकि कोडिंग में छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब मैं होप करता हूँ ये चल जाए। ओके तो कमांड कन्फर्म्ड। ओके तो कुछ खुला है क्या ये, एक सेकंड, पहले मैं रिक्वेस्ट जो आती रहती है इसे एक्सेप्ट कर दूं। ओके तो मैंने अप्रूव कर दी है वो चीज़। और यहाँ पे मेरे को एक कमांड सेंटर में कुछ खोला था, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। कन्फर्म कमांड प्लीज़ वेट। और यहाँ पे खोला था शायद क्रैक में, हाँ तो यहाँ पे क्रैकेबल गेम्स हैं। ओके तो क्रैकेबल गेम्स हैं और यहाँ पे मैं फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ उसे। डेड ऑफ बॉय, गॉड ऑफ वॉर का नाम चेंज करके कर दिया डेड ऑफ बॉय। हार्ड तो हाउ टू क्रैक, सेंड पैकेज तो ये गेम आईडी, क्रैकेबल गेम्स, माई क्रैक्स, हाउ टू क्रैक। टू क्रैक अ गेम यू मस्ट फर्स्ट फाइंड द राइट पोर्ट, टू कनेक्ट टू पोर्ट यू शुड स्कैन द पोर्ट, बट सेंडिंग टू मैनी पैकेट्स कैन कॉज द सिस्टम यू विल नोटिस। ओके तो दो कस्टमर आ चुके हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ पहले इन्हें। और मैं देख रहा था सिस्टम का कुछ क्रैक करने का, वो तो हुआ नहीं मेरे से क्रैक। इसे पहले मैं बंद ही कर देता हूँ। अप्रूव अप्रूव, ठीक है। हाँ तो मैं सोच रहा था अपने कैफ़े के अंदर एक और सिस्टम लगा दूँ, तो मैं जल्दी से ना अपनी डेस्क बाय कर लेता हूँ पहले यहाँ से। मेटल कंप्यूटर टेबल वाली बाय कर लेता हूँ, $500 की है। और इसे करो चेकआउट, कंप्लीट पेमेंट, तो अपनी टेबल आ जाएगी। जब तक मैं वहाँ पे जाके सिस्टम भी बाय कर लेता हूँ अपने थोड़े से। मैं बिना अगर इसे छोड़े जाऊँ तो ये कुछ देख तो लेगा ना सिक्योरिटी गार्ड मेरा, लेकिन ये चोरों को देखता भी नहीं है। मैं अपना बंद ही करके जाऊँगा अपना कैफ़े, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना कोई। बंद करो इसे, तो मैं जाके जल्दी से सिस्टम ले आता हूँ। ओके तो मुझे चाहिए एक ओल्ड केस, एक ओल्ड केस लेके हम डाल लेते हैं अपने बैग के अंदर। और एक एलसीडी भी ले लेते हैं। तो हमें चाहिए कीबोर्ड माउस, वो हम आगे आके लेते हैं बाद में, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है हमारी जगह पे, तो ये मैं रख के आता हूँ पहले। और कीबोर्ड माउस भी ले लेता हूँ। और अपनी डिलीवरी भी आ चुकी है, कैमल पे आती है अपनी डिलीवरी, सही है एकदम बढ़िया। कहाँ गए वो कैमल? ओके तो उसने डिलीवरी कर दी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले सारा सामान ना प्लेस कर देता हूँ इस जगह पे, मतलब रख देता हूँ। ओके तो मैंने प्लेस कर दिया है। अब मुझे जाके ना एक बार कीबोर्ड और माउस भी ले आता हूँ। वो चोर दिख तो नहीं रहा, चोर को पहले मार के ही जाऊँगा, ऐसी क्या बात है, ये ले मुक्के का। तो यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, मेरे को घूम घूम के जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से एक शॉर्टकट है और मैं पहुँच जाऊँगा जल्दी से शॉप पे। तो शॉप पे पहुँच चुका हूँ, तो यही वाला माउस ले लेते हैं, बिजनेस कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड ले लेते हैं, एक बिजनेस वाला कीबोर्ड, और माउस ये वाला ले लेते हैं, एलईडी वाला माउस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ले लिया और अब चलते हैं अपने कैफे में। और इसके पास अभी तक बैट ही नहीं आया, वो ये चोर यहीं खड़ा है। अरे चोरी तो नहीं करी ना तूने कुछ? देख लेता हूँ मैं एक बार, नहीं करी चोरी चोरी। मैं पहले ये टेबल उठा लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरी टेबल पड़ी है मेटल टेबल, और इसे हम प्लेस करते हैं। ओके तो हम इसे ना दूसरी जगह यहाँ पे अभी प्लेस कर देता हूँ। और अपने मॉब को मुझे हटाना पड़ेगा और इसे इस साइड में डालना पड़ेगा। और अपनी मेटल कंप्यूटर टेबल लगाते हैं हम, कि तो मैं सोच रहा हूँ टेबल को इधर प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने टेबल यहाँ पे प्लेस कर दी है, तो यहाँ पे हम ये मॉनिटर भी लगा देते हैं जल्दी से। उल्टा लगा दिया भाई मैंने सीपीयू, एकदम बंदे ऑन ही कैसे करेंगे सिस्टम को, मुझे सीधा करना पड़ेगा ये सीपीयू। ओके तो यहाँ से हम सीधा करते, तो मैंने अपना सीपीयू को सीधा कर दिया। और मेरे पास कीबोर्ड माउस थे, वो भी मैं लगा देता हूँ हैंड में लेके, ये रहा कीबोर्ड। तो मुझे चेयर भी चाहिए थी और मैं चेयर ही लाना भूल गया, कोई नहीं एक सेकेंड में अपनी चेयर भी ले आते हैं और इसे ऑन ही रखते हैं, इतनी जल्दी तो मैं आ ही जाऊँगा। वो पुलिस पड़ गई मेरे पीछे, कोई नहीं मैं पहले चेयर परचेस कर लेता हूँ। ओके तो पुलिस आ चुकी है, चेक कर ले यार, डोंट मूव, ऐसा मैंने कुछ रखा ही नहीं, फुल स्टॉप। ओके तो हमारा, तो हमने एक और सिस्टम लगा दिया है और अपना कैफ़े हमने थोड़ा अपग्रेड कर दिया है पहले से ज़्यादा। तो हमने 3 सिस्टम सही लग रहे हैं अपने कैफ़े के अंदर। और अगली बार मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे भी एक सिस्टम लगा दूँ तो सही रहेगा एकदम बढ़िया। ये ना पहले साफ़ कर दूँ, बहुत गंदा हो रहा है।
ओके, तो अपना कैफ़े अब काफ़ी ठीक लग रहा है पहले से, और जहाँ पे ना सबके वॉलपेपर सेम ही लगे, क्या मैं सबके वॉलपेपर अलग अलग कर सकता हूँ क्या, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। अपग्रेड कलरिंग में तो नहीं, यहाँ पे मुझे कैफ़े शॉट पे दिखेगा मुझे। हाँ, कैफ़े शॉट पे वॉलपेपर में सबके सेम ही रख सकता, मतलब मैं सबके सेम ही रखने पड़ेंगे, किसी के अलग नहीं कर सकता। कोई वो अपना कैफ़े बंद पड़ा था, कोई नहीं अपने कैफ़े को ऑन कर देते हैं। मैं भूल ही गया था अपना कैफ़े को ऑन करना। अगली बार मैं सोच रहा हूँ एक दो और एम्प्लॉय हायर करूँ अपने कैफ़े में, थोड़ी आसानी रहेगी अपने कैफ़े में थोड़ी। तो मैं सोच रहा हूँ अपना कैफ़े, आज मैंने बहुत काम कर लिया तो अपना कैफ़े बंद कर दो आज। तू घर मत चले जाइए, मैं जा रहा हूँ अपने घर, ठीक है? तो बंद करते हैं अपने इस कैफ़े को और चलते हैं अपने घर की तरफ। बहुत काम कर लिया आज हमने। अब मैं अगली बार आऊँ तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी माइनिंग अच्छी हो रखी, और ये लाइट बार बार ट्रिप की हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लिफ्ट पीस में बंद ना हो जाए क्योंकि लाइट बार बार ट्रिप हो रही है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।